Hello friends, welcome, how are you? I hope you all are doing good. आज हम friends check कर रहे हैं आप दोनों की current energies क्या हैं. Reading friends timeless, general and collective है. Without much further ado, let's get started. तो सबसे पहले हम check कर रहे हैं मेरे viewers की side, उनकी क्या energies हैं. It means DF. डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज, इट्स टू ऑफ वैंड्स. आप लोग अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जिंदगी का कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोगों का गोल है कि आप फाइनेंशियली टोटली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बने, और वहीं कई लोग अपनी इंडिपेंडेंसी और स्टेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं. सो स्वीट. मैजिशियन, आप लोग जम के प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड इन सब वे से अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप में से कई लोग खुद टारो रीडर, स्पिरिचुअल वर्कर, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं. अगर मैं आपके पार्टनर्स की साइड चेक करूं, डीएम एनर्जीज, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज, तो ये एनर्जीज हैं द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स. ऐसा लग रहा है डीएम आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डीएम आपके साथ रिकंसीलिएशन करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट आपके पार्टनर्स आप दोनों के कनेक्शन को लेकर किसी से गाइडेंस या फिर एडवाइस ले रहे हैं, या किसी तरह का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रिचुअल करा रहे हैं, सो दैट आपका रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े एंड आप उन पर अटेंशन दे सकें. फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों की फीलिंग्स ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि इस टाइम आप अपने पर्सन पर प्रैक्टिकली अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं टोटली. हो सकता है आप में से कई लोगों ने उन्हें टोटली ब्लॉक ही कर दिया हो, एंड ऐसे में आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए रीडिंग्स करा रहे हैं, रिचुअल्स करा रहे हैं, किसी तरह की कोई गाइडेंस ले रहे हैं, एंड इस कनेक्शन में सब कुछ ये पहले जैसा चाह रहे हैं. अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत 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 प्रोमिनेंट है. नंबर और डेट्स की बात करूँ तो 2/11/29/20, 3/12/21/30, 5/14/23, 1/19/28/10, 9/18/27. ये नंबर, ये डेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, या आप दोनों के रिश्ते के लिए. जस्टिस की एनर्जीज हैं. ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, ये जो पोज है, ये जो ठहराव है आप दोनों के रिश्ते में, ये डिवाइनली गाइडेड है. यस, ये डिवाइनली गाइडेड है. डिवाइन चाह रही है कि जहाँ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है वो चीज़ें सुधरें, एंड इसी के लिए इस रिश्ते में ठहराव है, पोज है. तो आप लोगों की जर्नी कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड है. ठीक है, जहाँ आप अपने पर्सन से मूव ऑन होकर उन्हें इग्नोर कर या ब्लॉक कर अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहीं आपके पार्टनर्स आप दोनों के रिश्ते को सुधारने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, एंड ये पोज, ये सेपरेशन आना ज़रूरी था. इट्स टोटली डिवाइनली गाइडेड. हो सकता है आप जो इक्वल गिव एंड टेक डिज़र्व करते हो इस पर्सन से, वो आपको नहीं मिल रहा है, और डिवाइन चाहती है कि वो आपको फाइनली मिले. इस टाइम आपके पर्सन को आपकी वर्थ तो समझ में आ रही है, एंड अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं, बस अब इन्हें हिम्मत करके आपको कमिटमेंट या वेडिंग का प्रपोजल सेंड करना है. वो चांसेस या वो सिनारियोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए रीयूनियन का एक्शन, ठीक है, जहाँ उन्हें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके साथ रीयूनाइट होना है, उसका एक्शन भी आता हुआ दिखाई देता है. बट उससे पहले डीएम की जर्नी में सेपरेशन का पेन है, रिजेक्शन का पेन है, पेन है आपको खोने का, पेन है उनके गलतियों का, उनके गिल्ट का, उनके रिग्रेट का. तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलिन इस टाइम
आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स एटसेट्रा की वीडियोस बार बार देख रहे हैं एंड आपको ग्रो करता हुआ देखकर जहां ये हैप्पी हैं वहीं ये ट्रिगर्ड भी हैं बिकॉज आप आज इनके साथ नहीं हो। यहाँ पे फ्रेंड्स लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। फ्रेंड्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर क्लैरिटी, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके डिवाइन मस्कुलिन की बात हो। आप पर्सनल सेशंस मेरे साथ बुक करा सकते हैं जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड प्रोसेस वेरी सिंपल, इजिली व्हाट्सएप करें एंड स्लॉट को बुक करें। इस कनेक्शन में इनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव द सन, सारी नेगेटिविटी रिमूव करके होगा रीयूनियन, होगा रिकंसिलिएशन। जिस लेवल पर आप चाहेंगे उसी लेवल पर होगा, बस आपको थोड़ा सा स्टेगनेंट होना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं। ऑलराइट, लियो की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। मीनवाइल डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है रिफ्यूज टू ईट इमोशनल पॉइजन। यस, ठीक है, आपको ओवर इमोशनल होकर मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपका प्यारा सा दिल है और आपका दिल डिजर्व करता है बहुत सारा प्यार औरों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैनिपुलेशन को आप प्यार समझ लें। ठीक है, सैडनेस और ड्रामा को टोटली गुड बाय कहें, इमोशनल पॉइजन को टोटली रिजेक्ट करें एंड डेफिनेटली एक प्यार भरे प्रपोजल के लिए ओपन अप रहें। वो आपके पर्सन की साइड से आए या आपको अपनी लाइफ में न्यू सोलमेट्स, न्यू सोल फैमिली मिल जाए, सबके लिए यू डिज़र्व लव इन योर लाइफ एक्चुअली एंड उसके लिए यू नीड टू गेट ओपन अप। यस, यू नीड टू गेट ओपन अप कि यस हम डिज़र्व करते हैं और हमें मिलेगा ही मिलेगा। नॉट लाइक कि पता नहीं हम तो सब कुछ करते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, इस वाइब से आपको बाहर निकलने की नीड है। ठीक है, रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, अर्ली मॉर्निंग उठें, बर्ड्स को पानी पिलाएं, बर्ड्स को फीड करवाएं, बट घर की छत पर नहीं, आसपास पार्क में जाकर या ऐसे प्लेस में जाकर जहां बहुत सारे बर्ड्स खाना खाने पानी पीने आते हैं। मॉर्निंग वॉक करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आसपास के लोगों को हाय हेलो बोलें और प्यारी सी स्माइल देकर घर आएं। ऑलराइट, इस रेमेडी को 40 डेज एटलीस्ट आपको कंटिन्यूसली करना है सो दैट आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी रिमूव हो सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।